50 साल अगर कांग्रेस का शासन रहा है तो 50 साल बीजेपी को शासन दे दीजिए। नहीं नहीं, जो डेवलप सिंपल दे चुके हैं इससे आप जनता दे चुकी है, 50 साल नहीं दिए, 50 साल दे दीजिए बराबर, फिर तुलना कीजिए बैठ करके। सवाल जब पूछना था त्रिवेंद्र सिंह रावत से तो उन्होंने खड़ा कर दिया तीरथ सिंह रावत को, जब हम सवाल पूछने गए तीरथ सिंह रावत से खड़ा कर दिया पुष्कर सिंह धामी को, सवाल किससे पूछेंगे? जनता परेशान है, जनता जो है ये सोच चुकी है कि अब तो सत्ता बदलेंगे और आपके सारे नेता बीजेपी ज्वाइन करे जा रहे हैं, तो नेताओं को नहीं समझ में आ रहा आपके। मतलब कांग्रेस के भ्रष्टाचारी भी भाजपा में और भाजपा के भ्रष्टाचारी भाजपा में और भ्रष्टाचार कांग्रेस में रह गया। मेरी बात लंबी इसलिए है क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूँ, इसलिए लंबी जवाब, प्रश्न छोटा होगा जवाब लंबा ही होगा। तो आप जनता जनता क्या सवाल ही यस और नो में है, लोगों ने आप जबरदस्ती डिस्क्रिप्टिव किए जा रहे हैं, और अगर हम खरा नहीं उतरेंगे तो जनता का अधिकार है कि हमें सत्ता से बाहर कर दे, और हम खरे उतरेंगे तो जनता का अधिकार है कि हमें दोबारा मौका दे। आप खरे नहीं उतरे तभी तो बीजेपी आ गई। 14 के बाद 19 में भी सरकार का बनना, क्या जनता की मूर्खता आप साबित करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, जनता का निर्णय, तो जनता का निर्णय सही है ना, भाजपा के पक्ष में जनता का निर्णय सही है ना फिर? नहीं नहीं, सही है नहीं है, सही नहीं है, नहीं ये सही नहीं है, नहीं देश में लगातार सर्वे हो रहे हैं और सर्वे को लेकर के नतीजे भी लोग अपने अपने हिसाब से मीडिया कर्मी, पत्रकार और चैनल के लोग देते चले जा रहे हैं। और सिर्फ मीडिया कर्मी की बात नहीं है, साथ में जो पॉलिटिशियंस हैं, पार्टियां हैं, पार्टियां भी अपने अपने सर्वे करना शुरू कर चुकी हैं। तो क्या उत्तराखंड में सर्वे नहीं होगा? चुनाव की जल्दी किसी को है नहीं या है, ये तो बाद में हम समझेंगे, लेकिन ये साफ साफ तौर पर आपको बता देता हूँ कि जब योगी सरकार की बात होती है तो वहाँ पर चुनाव की जल्दी की घटना या वहाँ पर चुनाव की जल्दी है इस बात पे कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो क्या चुनाव की जल्दी है? तो चुनाव की जल्दी बिल्कुल नहीं है, लेकिन चुनाव को समझना और चुनाव में सही व्यक्ति को चुनना, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक भारतीय का दायित्व है, कर्तव्य है, और मैं कहूँ कि सही चयन करना उसकी एक जिम्मेदारी भी बनती है। उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पत्रकार पत्रकारिता करने के लिए सड़क पर उतरते हैं, सवाल पूछते हैं, और आज सवाल हम पूछेंगे। सवाल पूछेंगे इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे। कुछ समय से हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में 2022 में होने वाला क्या है? उत्तराखंड में क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी रिवर्ट हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे एक नियम सा बना हुआ है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी के दस्तक के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या दोबारा लौटने की है या नहीं है, इस विषय को पूरा हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच बैठे हैं आशीष सैनी जी, जी नमस्कार, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सवालों के घेरे में सबसे पहले तो यही है, क्या लगता है आपको, ये कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस बार बार उत्तराखंड में होता है। नहीं ऐसा ना, ये हम लोग अगर अपने मन से कहेंगे तो हम तो चाहेंगे कि सरकार बने, चाहने की बात ही नहीं है। जनता की जो प्रतिक्रिया है, देखिए चुनाव में जनता का समर्थन एक अपना पक्ष और विपक्ष दिखाना शुरू कर देता है जब हम चुनावी वर्ष में प्रवेश करते हैं, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें यहाँ पर भी हैं और केंद्र में भी है, जनता ने अपना रिएक्शन दिखाना शुरू किया है, लोग अपनी बात अपने सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल पूछने वालों के प्रतिक्रिया में जो सरकार जवाब देती है उन खोखले जवाबों से तंग आकर जनता चाहती है एक बेहतर विकल्प। हाँ, और बेहतर विकल्प में बेहतर विकल्प जब कांग्रेस खराब काम करती है तो फिर जनता ऐसे ही बेहाल होती है, या बेहाल होकर कहती है कि हमें बीजेपी को लेकर क्या नहीं, कांग्रेस को ऐसा होता है ना, नहीं हिंदुस्तान के ऐसा तो होता है ना, नहीं मैं बताता हूँ, आप समझ करके देखिए। आप जब कह रहे हैं जनता बेहाल है, जनता बेहाल होती है तो सवाल उठाती है और जो है विरोध करना शुरू कर देती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है उसका विरोध करती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में रही है, और कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए तमाम तरह के झूठ और जुमलों का सहारा पहले भी लिया गया है और आज भी लिया गया है। बिल्कुल, वर्तमान में भी जो सरकार गई है वो झूठ और जुमलों के सहारे,
अब जनता ने देखो खुद निर्णय लिया कि कांग्रेस को हटाकर दूसरी पार्टी लाए जो बढ़िया बढ़िया लच्छेदार बातें करके सत्ता में आई, लेकिन उन्होंने देख लिया कि ये वादे हैं ये कहीं पूरे होने वाले नहीं है और उसका नुकसान उनकी आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ रहा है। आप इस बात को लेकर तो लोग अपनी पीढ़ी की रक्षा के लिए आप सोच करके देखिए लड़ने के लिए तैयार है। सोच करके देखिए 14 के बाद 19 में भी सरकार का बनना क्या जनता की मूर्खता आप साबित करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, जनता का निर्णय है तो जनता का निर्णय भाजपा के पक्ष में। जनता का निर्णय सही है ना फिर? नहीं नहीं, सही है नहीं है, ये सही नहीं है, नहीं ये सही नहीं है, नहीं जनता ने जनता का निर्णय सही नहीं है। जनता ने खुद तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में दोबारा सत्ता देना बहुत भारी भूल साबित हुई है। अच्छा, इसका असर कहां मिला है? तो 14 के राज्यों में राज्यों में सरकारों के चुनाव बदले। कांग्रेस पार्टी 14 के बाद भी चिल्ला रही थी कि जुमलेबाज हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी बातें कही आपने, डिमोनेटाइजेशन को लेकर के भी आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया, लेकिन जनता ने तो सपोर्ट किया ना। जनता ने पुलवामा पे सपोर्ट किया, जनता ने नोटबंदी और जीएसटी पे सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी ने मुद्दों को फ्लिप करना शुरू कर दिया क्योंकि अब जनता उसमें समझ नहीं पाई। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि एकदम लगा कि हाँ पुलवामा अटैक है और राष्ट्रीय मुद्दे को उठाकर राष्ट्रवाद के मुद्दे को चमका के इन्होंने तुरंत पावर ले ली। अच्छा, पावर लेने के बाद क्या है, फिर जनता समझ नहीं पाई, जनता ने जो निर्णय लिया जनता समझ नहीं पाई, ये भ्रम का ऐसा जाल बना कि नहीं समझ पाए। भाई देखो, मतलब एक तरफ कुछ लोग तो जनता को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं और आप कह रहे हैं जनता समझ नहीं। नहीं, बिल्कुल एक भ्रम उन्होंने ऐसा बनाया पुलवामा अटैक का कि उसमें नोटबंदी और जीएसटी नहीं, हम तो सीधा काम करते हैं, काम करते हैं। जब जनता को काम की बात करनी होगी तब वो कांग्रेस की तरफ आएगी। जब आप काम करते हैं तो 17 के इलेक्शन में बीजेपी कैसे आ गई? नहीं, 17 के इलेक्शन में बीजेपी, मैं अब देखिए नेशनल हमने बात कर ली, नेशनल में आपके हिसाब से चलो एक सवाल मैं आपके लिए और जनता के बीच भी छोड़ देता हूँ। आप नेशनल इलेक्शन, मैं पार्लियामेंट उसकी बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा के इलेक्शन में आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? नहीं, लोकसभा वर्तमान जो लोकसभा वर्तमान तो अभी वो लोकसभा के चुनाव में अगर आज छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ 2024 में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में अगर लोकसभा चुनाव जब होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाएगा और कांग्रेस सत्ता में आएगी, ये तय है। आज जनता का बिल्कुल मूड बदल चुका है, अब वो किसी झूठ जुमले में फंसने वाली नहीं है, बिल्कुल उन्होंने सब कुछ स्पष्ट शीशे की तरह देख लिया है। ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो जनता बिल्कुल सही है, सही निर्णय है, बिल्कुल सही। लेकिन बीजेपी, अगर बीजेपी को जनता सत्ता में लेकर के आती है तो जनता फंस रही है, जनता समझ नहीं पा रही है, जनता मूर्ख हो जा रही है। ये बात की बात कर रहे हैं, ये बात लोग अपनी नहीं, आप ये सोचकर देखिए ना, आप ये सोचिए, आप ये सोचिए, आप बता दूं, ये हमारी राय नहीं है, ये जनता की खुद की राय है। आज अगर हम किसी, मैं तो आज की राय जानता हूं ना, जनता की राय तो जनता डिसाइड कर चुकी है। अगर आज किसी भी व्यक्ति से, हिंदुस्तान के व्यक्ति से बात करेंगे, किसी को जिसने कांग्रेस को वोट दिया, जिसने कांग्रेस को वोट दिया होगा वो आज भी कांग्रेस के प्रति विश्वास है उसे कि सरकार आएगी तो काम करेगी, लेकिन जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है वो मतदाता की प्रतिक्रिया आज की क्या है? आप जरा एक बार उनसे जब जाने की कोशिश करेंगे तो उनकी सीधी प्रतिक्रिया है कि भाजपा ने उनके साथ धोखा किया। चलो इसके बाद, लेकिन एक भी मतदाता ऐसा नहीं मिलेगा जिसने धोखा दिया। आपके हिसाब से जनता ने जो निर्णय लिया जनता पछता रही है, जनता परेशान है, जनता जो है ये सोच चुकी है कि अब तो सत्ता बदलेंगे और आपके सारे नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो नेताओं को नहीं समझ में आ रहा आपके, हमारे दो दो आपके नेताओं को नहीं समझ में आ रही है बात की भाई जनता समझ गई कि जनता समझ रही है कि बीजेपी खराब है, लेकिन आपके ही नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, सबका सब बीजेपी ज्वाइन करे जा रहे हैं। नहीं, हमारे 2017 के बाद किसी भी नेता ने उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की बात का अभी आप बात कर रहे हैं, नेशनल पे जाओ, आप बात ही नेशनल कर रहे हैं, नेशनल पे जाओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया नाना पटोले की बात कीजिए उधर से सांसद थे छोड़ के आए, सिंधिया की बात नहीं करेंगे, नहीं बहस के एक मुद्दे में आप एक चीज लाइए कि दो सांसद और दो बड़े नेता देश के थे, नंबर एक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता थे, नंबर दो नाना पटोले जो किसान आंदोलनकारी थे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। नाना पटोले ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, ठीक हो गया, और वो जबकि लोकसभा चुनाव हारे थे लेकिन विधानसभा जीते हैं, वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे और वर्तमान में महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष है। अभी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेरी बात सुनिए, नहीं वो बहुत बड़े, मैं दो से ही शुरुआत कर रहा हूँ, पार्टी की तो ऐसी कंडीशन है, कांग्रेस पार्टी छोड़ के लोग बीजेपी, मैंने दो से ही शुरुआत की है, सिंधिया ने अपने महल को बचाने के लिए पार्टी छोड़ी,
और नाना नाना पटोले ने भाजपा छोड़ी किसानों के हक के लिए, दोनों के पार्टी छोड़ रही है आप जब तक बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु पे नहीं आएंगे। अपनी बात कहूंगा जरूर, नाना पटोले ने किसानों के हित में पार्टी छोड़ी और ज्योतिदास सिंधिया ने अपना महल बचाने के लिए छोड़ी। अभी जनता इसलिए अब लोग नहीं, जनता समझ रही है इस बात को कि सिंधिया क्यों छोड़ के जा रहे हैं, नाना पटोले क्यों इधर आ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप बीजेपी में थे, बात आप भी कांग्रेस में आए, हम तो 13 साल पहले बीजेपी से कांग्रेस में 13 साल पहले आ गए करके वो नेतागिरी है वो करते रहते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में जा रहे हैं। आप भी पता नहीं कब जाएंगे, हमें पता नहीं है, जा सकते हैं कोई भरोसा नहीं है। मान लीजिए जब आपको लगे कि भाई कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली है तो आप शायद बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। खैर उत्तराखंड के इलेक्शन की हम बात करते हैं, उत्तराखंड में क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी आएगी या नहीं आएगी? निश्चित रूप से आधार केवल पहला दो आधार है वो है जनता का निर्णय, क्योंकि जनता तय करती है और जनता ने निर्णय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में लाना है और विकास की दिशा में उत्तराखंड को लेके जाना है, वो जनता ने तय किया है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारी जिम्मेदारी है कि जनता की उन अपेक्षाओं पे हम खरा उतरेंगे, और अगर हम खरा नहीं उतरेंगे तो जनता का अधिकार है कि हमें सत्ता से बाहर कर दे, और हम खरे उतरेंगे तो जनता का अधिकार है कि हमें दोबारा मौका दे। आप खरे नहीं उतरे तभी तो बीजेपी आ गई। नहीं, बिल्कुल खरे उतरे इस बात का पैरामीटर यह है कि डेवलपमेंट के जो काम थे जहां थे वही रुक गए, लोगों ने हर चीज महसूस कर ली। आप डेवलप, आप किसी पैरामीटर पे, आप समाज कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन चारों मुद्दों पर अगर उत्तराखंड में बात करेंगे, एक नया काम नई सरकार में नहीं हुआ। रुड़की के एक पार्षद हैं, वो ये कहते हैं जब कांग्रेस में विधायक प्रदीप बत्रा जी थे तो विकास अच्छा नहीं किया, तो मतलब कांग्रेस पार्टी के दौरान विकास अच्छा नहीं। पार्षद किस पार्टी के? पार्षद बीजेपी के ना, इसलिए वैसे जैसे आप कांग्रेस के, आप उन पार्षद महोदय से, ये जैसे आप कांग्रेस के हैं और आप समर्थन दे रहे हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया फिर भी बदल दी सत्ता। नहीं, जिस समय वो कांग्रेस के विधायक थे, संबंधित व्यक्ति, जिस समय एक जवाब दीजिए ना, अगर आप अच्छे थे तो सरकार बदल क्यों गई, जनता ने क्यों बदल दिया? नहीं, हम तो आप लॉजिकल जवाब दीजिए, हम तो जनता ने क्यों बदल दिया, उन्हीं पार्षद से यही पूछ लेंगे। मैं कह रहा हूँ जनता ने क्यों बदल दिया आपको? नहीं, जनता क्यों 17 के इलेक्शन में आप हार गए अगर आप अच्छे थे तो? नहीं, ये देखो जनता और जनता का जो निर्णय था वो कुछ ऊपरी नारों और ऊपरी भाषाओं पे था, मतलब जैसे, ये तो हद कर दिया आपने कि जब आपकी पार्टी, अगर आपकी पार्टी जीत रही है तो जनता सही निर्णय ले रही है, नहीं, और बीजेपी जीत रही है तो जनता जो है बहक रही है, फिसल रही है। बिल्कुल एक आधार पर, मेरा या तो पहले और लास्ट तक, या तो जनता एक ही लॉजिक है, या तो जनता एक ही लॉजिक है, या तो जनता से, तो जनता एक ही लॉजिक, मैं कह रहा हूँ एक ही लॉजिक है। अच्छा, लॉजिक यही है, देखो निर्णय कौन लेगा, नहीं सत्ता का निर्णय कौन लेगा, सत्ता का निर्णय पब्लिक लेगी। आप यही बताइए, आप सिर्फ यही बताइए, हमने जब आपकी पार्टी आ रही है, सुनिए, जब आपकी पार्टी आ रही है तो जनता विकास के मुद्दे पर चुनाव कर रही है, है ना, और जब बीजेपी पार्टी आती है तो जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जनता को जब झूठे झूठे जुमले, जनता को जब झूठे जुमले और झूठे नारे और बड़े बड़े लुभावने वादे करके कोई व्यक्ति सत्ता में लाने की बात करता है तो लोग उस पर विश्वास, नहीं, लोग विश्वास करते हैं। देखिए पार्टी के, देखो पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो पे इस स्टेटमेंट से बहुत से कार्यकर्ताओं का, बहुत से लोगों का वोट आप खो देंगे। नहीं नहीं, जनता तो जनता, जनता के हित के लिए काम कीजिए। नहीं, जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप बोलने भी दीजिए कम से कम। आप कैसे ना, आप एक तरफा बोल रहे हैं तो दूसरा भी सुन नहीं रहा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने दोबारा तीसरी बार फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीधी बात संवाद जनता के बीच में है। जनता ने, देखो पब्लिक क्या करती है, अपना मैनिफेस्टो के आधार पर जो पार्टियां आती हैं तो निर्णय लेती है कि हम इस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। एक मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का हमेशा का रहा जो डेवलपमेंट का रहा, और एक मैनिफेस्टो बीजेपी का रहा। देखो बीजेपी का मैनिफेस्टो, क्योंकि वो बीजेपी हमारी प्रमुख विपक्षी दल पार्टी है, वो बहुत ज्यादा इतना झूठ बोल चुके लोग, अब लोग समझ गए उनकी बात क्या है, कि लोग पकड़ में आ गया। अब वो जब पकड़ में आ गया है तो लोग जब
क्या करेंगे देखो आप भाजपा नहीं आप मेरी बात नहीं मैं आप मेरी बात आपसे छोटी है आपसे छोटी बात है मेरी बात लंबी इसलिए है क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूँ इसलिए लंबी है प्रश्न छोटा होगा जवाब लंबा ही होगा तो आप जनता क्या करती है सवाल ही यस और नो में नहीं लोगों ने आप जब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ आप सीधे सीधे नहीं समझेंगे जब हम बाजार में जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो बहुत सारे होर्डिंग्स बड़े बड़े बैनर बड़े बड़े लुभावने ऑफर्स लगे होते हैं तो हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो देखते हैं कि उसमें क्या ऑफर है तो कई बार हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे खरीद लेते हैं जो घर पे लाके देखते हैं तो नुकसान है यानी जैसे बीजेपी फिर हम वापस अपने पुराने प्रोडक्ट पे जाएंगे जिस पे हमें विश्वास था जिस दुकानदार पे विश्वास था जिस कंपनी पे विश्वास था फिर हम उसी को खरीदते हैं हम हो सकता है लोग लुभावने वादे सुनकर बड़ी बड़ी बातें सुनकर बड़े बड़े नारे सुनकर एक बार इधर को चल दे लेकिन वापस हम उसी जगह पे लौट के आते हैं तो ये प्रक्रिया देखो लोकतंत्र में नहीं मैं बताऊं लोकतंत्र में जनता का निर्णय महत्वपूर्ण बड़ा है पब्लिक का नहीं पब्लिक का डिसीजन ही लोकतंत्र की स्थापना करता है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का ऐसा ही चल रहा है बार बार सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है ना इस बार जुमलों में फंस गए जब इसके पहले बीजेपी थी तब किस में फंसे थे नहीं बीजेपी थी तो वापस विकास के दौर पे देखो विकास भी चाहिए जब आप 5 साल जुमलों में फंसोगे मतलब तो फिर विकास के रास्ते पाओगे कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है कांग्रेस तो ने कब भ्रष्टाचार किया बीजेपी को वोट भ्रष्टाचार बीजेपी भ्रष्टाचार करती है तो कांग्रेस को वोट मिल जाता है लेकिन यही बात नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ये नहीं है नहीं बिल्कुल अच्छा, नहीं है कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया है और आज इसके बावजूद अगर देश की स्थिति खराब है आज एक 18 बावजूद अगर देश की स्थिति खराब है आज एक 18 साल के नौजवान से लेकर 80 साल के मतदाता को भी ये स्पष्ट है कि अगर डेवलपमेंट की बात करनी होगी तो कांग्रेस के लाओ और अगर लोक लुभावने नए नए चीजें करनी है कुछ नया नई नौटंकी खेलनी है तो आप अन्य पार्टियों पर विश्वास करो ये काम में बीजेपी तेज है किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप नहीं हमारा मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि हम हमारा हमारा जो मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल क्लियर है कि उत्तराखंड की जो मूल समस्या है और देश की मूल समस्या है सबसे मूल समस्या हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट की है चाहे वो शब्द डेवलपमेंट में बहुत अच्छी आती है मैं कह रहा हूं क्या समस्या उत्तराखंड में नहीं मैं कहता रहा हूँ उत्तराखंड का जन तो टूरिज्म अभी उस लेवल पे आया टूरिज्म नहीं आया यहाँ के लोगों का जो पलायन है रोजगार की जो उपलब्धता है रोजगार वो उपलब्धता नहीं हुई यहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं हो पाई अभी उसमें हम बहुत पीछे हैं दूसरा यहाँ के चैप्टर दे रहा हूँ यहाँ पर इतने फलों का और फूलों का उत्पादन है जूस का उत्पादन है वो हम अभी तक उसको बढ़ा नहीं पाए जड़ी बूटियों का जो काम है जड़ी बूटियों काम है वो किसी लेवल पे नहीं पहुंच पाया तो ये सारे काम हमें करने हैं और इस सारे काम की दिशा में कांग्रेस बढ़ी है लेकिन बीजेपी ने बीजेपी क्या करती है बीजेपी सत्ता में आती है तो 5 साल का ब्रेक लगा देती है मैं हमारे जनता से क्या अपील है हम लोग क्या अपील करते हैं कि वो बार बार का जो ब्रेक है वो ना लगे और कंटिन्यूअस अगर आप हम पे विश्वास करेंगे मैं कहता हूँ जनता से कहूंगा कि हम पे विश्वास करेंगे कांग्रेस पार्टी पे तो निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ेगी तंत्र के लिए बार सत्ता परिवर्तन बढ़िया है बेहतर है क्योंकि इससे कम से कम आपको पता है कि कोई निरंकुश नहीं बनता नहीं और आप कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम निरंकुशता को हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करते हमें लगातार कांग्रेस कांग्रेस की जब भी सरकार रही है निरंकुशता कहीं नहीं आप कह रहे हैं अच्छा जवाब भी देते रहेंगे प्रश्न भी पूछेंगे नहीं नहीं निरंकुशता कहां रही है कहां रही है निरंकुशता आपने भ्रष्टाचार की बात करी सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में आप मेरी बात सुनिए मतलब कांग्रेस के भ्रष्टाचारी भी भाजपा में और भाजपा के भ्रष्टाचारी भाजपा में और भ्रष्टाचार कांग्रेस में रह गया मतलब ये झूठ कब तक जनता के सामने आएगा लोग ये भी तो सवाल पूछेंगे कि कौन सा भ्रष्टाचारी आपने केंद्र में पकड़ा है कौन सा भ्रष्टाचारी राज्य सरकार ने पकड़ा सारे पकड़े अपने यहाँ गए मतलब ये कैंडिडेट आपको क्या है भ्रष्टाचारी तो खुद की घर में बैठे लेकिन कांग्रेस को याद करा दिया लेकिन याद करा दिया कि मुझे मैं रट करके आता हूँ मुझे यही बोलना है नहीं नहीं सवाल तो सुनिए आपने भ्रष्टाचार की बात कही उस पर जवाब दिया सवाल तो सुनिए आप बताइए सवाल बिना सुने आप जवाब दिए मैं सीधा सवाल यही कर रहा हूँ कि अगर ये सारी समस्याएं पलायन की बात कर रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं और आपने ये भी एक्सेप्ट किया कि सत्ता में अधिकतर कांग्रेस रही है बिल्कुल रही है 10 साल रहे उत्तराखंड में 10 साल उत्तराखंड में सेंटर में भी आप रहे हैं सबसे अधिक शासन किया आप लोगों ने बिल्कुल ऐसी स्थितियों के बाद भी अगर देश में ऐसी समस्याएं हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग के विजन में कमी रही होगी नहीं ये आपका आकलन है देखिए कभी भी कोई भी
आपने, मैं कहूँ डेवलपमेंट भी जो है ना वो एक्सट्रीम, एक कुछ पांच साल में ही हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब 50 साल से अधिक समय चाहिए क्या आपको? नहीं, तो आपको कितना डेवलपमेंट हो चुका? 50 साल से अधिक चाहिए क्या समय आपको? आप डेवलपमेंट नहीं, तो 5 साल अगर हिंदुस्तान आपको समय चाहिए, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो यही समय आप बीजेपी को दे दीजिए। नहीं, बीजेपी को दिया, दे दीजिए बीजेपी को, देश की जनता 8 साल दे चुकी है। सेंटर में अगर 50 साल आपने शासन किया है, मैं कह रहा हूं 50 साल बीजेपी को दे दीजिए। जिस पैरामीटर पे हमने डेवलपमेंट किया है उस पैरामीटर पे 8 साल की बीजेपी की सरकार फेल है। नहीं तो आप, अरे हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। 50 साल अगर कांग्रेस का शासन रहा है तो 50 साल बीजेपी को शासन दे दीजिए। नहीं नहीं, जो डेवलप सिंपल दे चुके हैं, इससे आप जनता दे चुकी है, 10 साल नहीं दिए, 50 साल दे दीजिए बराबर, फिर तुलना कीजिए बैठ करके कि नहीं बीजेपी ने अच्छा काम किया या कांग्रेस ने अच्छा काम किया। आप मुझे, आप चलिए, मैं सीधा स्टेट की बात कर रहा हूँ। नहीं, हो सकता है, आपके बात सही हो, कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब जनता देने के मूड में कतई नहीं है। जनता इन झूठ बोलने वाले लोगों पर कतई कोई विश्वास नहीं है। कह रहा हूँ कि जनता सर्वोपरि है, जनता जो डिसीजन लेती है वही वही सही होता है। लेकिन आपने साफ साफ कह दिया कि अगर जनता बीजेपी के पक्ष में जाती है तो जनता बहलाई फुसलाई गई है, अगर जनता कांग्रेस के पक्ष में है तो वो बिल्कुल उसका निर्णय नहीं है। ये तो लोगों का, लोग बता रहे हैं, ये द्विअर्थी बात है। जनता की राय है, जनता की राय है। सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, राय आप जनता की, नहीं नहीं, हम तो जनता की राय से बोलेंगे। सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस मैनिफेस्टो बनाती है जनता की राय से पूछ के बनाती है। एक सीधा सवाल मैं कर रहा हूँ कि आप ही बताइए कि कांग्रेस पार्टी कैसे जीतेगी आपके उत्तराखंड में, जबकि आम आदमी पार्टी है, चलो उसको हम अभी बाद में उस पर हम चर्चा करेंगे, जब आपकी ही पार्टी में दो ग्रुप बने हुए हैं, दो गुट बने हुए हैं। जब प्रीतम सिंह की अध्यक्षता होगी तो टिकट इनको होगा, इनको नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता जब हरीश रावत जी की होगी तो इनको होगा, इनको नहीं होगा। नहीं, ये तो बात ट्रेडिशन में आप जीते कैसे? नहीं, हमारी अभी कांग्रेस की एक सूची आई है जिसमें बहुत सारी कमेटियां नए प्रदेश से बने हैं, तो हमारी एक ही सूची आई है, हमारी दो सूची नहीं आई। नहीं, एक ही सूची, एक ही सूची में सब लोग बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, एक ही कार्यालय में सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि एक ही कमेटी में सब लोग हैं। क्योंकि आप एक को बनाते तो विद्रोह नहीं 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 मैं कह रहा हूँ, जितने भी कांग्रेस के नेता है वो एक ही सूची में कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी, आपने दो गुट की बात करी, कहाँ पे है वो दो गुट? मुझे, हमें कहीं दो गुट देखने को मिले। जिस तरीके से आपसे सवाल पूछा, आप जनता की तरफ से बोल रहे हैं, वैसे ही मैं जनता की तरफ से बता रहा हूं कि पार्टियों में दो गुट बना हुआ है, एक प्रीतम सिंह का गुट है, एक हरीश रावत जी का गुट है। नहीं, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, दो। अच्छा, एक ही गुट है। जनता कह रही है, जनता कहती है। नहीं नहीं, आपको सुना दूंगा मैं, हम तो हमारे पास सुना दूंगा मैं। नहीं, चलो इसको भी लेकर एक रिपोर्टिंग कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। इस चीज को लेकर हम जरूर रिपोर्टिंग करेंगे दोस्तों, कि क्या कांग्रेस पार्टी दो गुटों में है, एक तरफ हरीश रावत तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह जी, क्योंकि कहीं साथ साथ भाजपा के मुख्यमंत्रियों के भी गुट देख लेना। अच्छा, नहीं, आप दोनों पैरेलल करना ना, कि भाजपा में कितने मुख्यमंत्रियों गुट हैं, दोनों करें, और कांग्रेस में कितने गुट हैं, दिख जाएंगे सब। बिल्कुल दोनों करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी, चूंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के सारे लोग एक मंच में मौजूद हैं। मुझे आप बताइए कि जब से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बदले हैं, आप आपके दर्शक देख रहे हैं, ये बताइए कि जब पुराने मुख्यमंत्री हटे और नए मुख्यमंत्री आए तो क्या किसी मंच पे नए पुराने मुख्यमंत्री को देखा किसी ने? दो दो मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं और तीन मुख्यमंत्री पहले के पूर्व मुख्यमंत्री पहले से मौजूद हैं। बताइए जरा उनकी क्या स्थिति है? यानी जो लोग चीफ मिनिस्टर जैसी पोस्ट पर रह चुके, आज वर्तमान सरकार में वो कहीं नहीं है, वो मंच पे नहीं है, वो कहीं नहीं है। ये बताइए, तो आप हमारे तो कम से सब लोग, सारे नेतागण एक साथ बैठे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, फिर जीत राम जी है, भुवन कापड़ी जी है, कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हरीश रावत जी है, प्रदीप टामटा जी है, दिनेश अग्रवाल जी है ना, ये क्या सब लोग इकट्ठे एक साथ बैठकर साइन करते हैं क्या किसी एक चीज पे? जो जिम्मेदारी दी गई होती है वही तो साइन करेगा ना। अब चीफ मिनिस्टर एक है तो तीन चीफ मिनिस्टर किसी एक जगह पे साइन थोड़ी ना करेंगे। नहीं, आपने मेरे ही प्रश्न का उत्तर दे दिया। हाँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, आपका, और आपने सही बात रखी। हाँ, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सब लोग एक साथ साइन नहीं करते। हाँ, मैं एग्रीड हूँ उस बात से। हाँ, लेकिन सबका सम्मान सुरक्षित रहता है। पूर्व मुख्यमंत्रियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष को लेकर के जो सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी में दो गुट है या नहीं है, हरीश रावत जी का और प्रीतम सिंह का गुट? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि जिस तरीके से अध्यक्ष बदले जाते हैं, अध्यक्ष बदले हुए हैं, उस तरीके से बहुत से लोग जो टिकट के दावेदार हैं कई बार आगे आ जाते हैं, कई बार पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने नेता होते हैं। इस बात को लेकर के आप कितना सहमत हैं, इसको लेकर के आप जरूर हमें प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ये जनता तय करेगी, जनता इसका जवाब जरूर देगी। बिल्कुल। और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी,
और आप ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि दो गुट हैं, तो इस हिसाब से आप कांग्रेस पार्टी आपकी जीतेगी। आपको नहीं लगता कि जो दूसरा गुट है वो कहीं ना कहीं पहले वाले गुट का अगर लीड करेगा तो उसको पीछे करने की कोशिश करेगा? नहीं, बिल्कुल करेगा। भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री हटाया गया है वो नए मुख्यमंत्री के राह में रोड़े बिछाएगा और वो बिछ भी रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि क्योंकि डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। आप पब्लिक से अगर एक सवाल आप पूछे कि 57 विधायकों का पूर्ण 3/4 से अधिक बहुमत मिलने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर बदले गए, यानी बीजेपी की लीडरशिप चेंज हुई है, तो अभी तक उन्होंने रीजन फाइंड नहीं किया। लोगों ने कहा कि जो डेवलपमेंट का काम शायद कुछ एक आध हो भी रहा होगा तो वो कहाँ हो रहा था, और अब सवाल जब पूछना था त्रिवेंद्र सिंह रावत से तो उन्होंने खड़ा कर दिया तीरथ सिंह रावत को, जब हम सवाल पूछने गए तीरथ सिंह रावत से खड़ा कर दिया पुष्कर सिंह धामी को, सवाल किससे पूछेंगे? यानी उत्तराखंड की जनता कोई सवाल ना पूछे डेवलपमेंट पे कि भाई कांग्रेस की सरकार थी तो ये काम चल रहे थे और आज जैसी आपकी सरकार आई तो 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया, अब आप अगले 5 साल क्या करेंगे, तो जवाब नहीं देंगे तो जनता क्या करेगी? तंग आके निर्णय बदलेगी। आज जनता इनके मुख्यमंत्री बदलने से भी और 5 साल के बिल्कुल निरंकुशता ऐसी रही, बिल्कुल आंख बंद करके बैठे रहे, विकास बन के ये तो लोगों ने निर्णय ले लिया आपके कि नहीं हमें डेवलपमेंट वाली सरकार के साथ। आपके जवाब से जनता के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पैदा होता है कि जब इतने सालों तक शासन आपका सेंटर में रहा है, स्टेट में रहा है, इसके बावजूद भी अगर विकास नहीं हुआ तो सवाल आपके ऊपर खड़ा होता है। विकास तो लगातार चल रहा है लेकिन भाजपा पे ब्रेक लगा चुकी है। इसके बावजूद भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में आती है और विकास पे ब्रेक लगा देती है। बावजूद भी अगर आप फिर वापस कांग्रेस आएगी तो विकास चलेगा, झूठ पे रोक लगेगी। लड़ाई झूठ की और विकास की है, कांग्रेस विकास के साथ है और भाजपा झूठ के साथ है, जनता हमारे साथ है। एक ही स्टेटमेंट जिस तरीके से आशीष सैनी जी कभी बीजेपी के लोगों कहते हैं कि आपको रट्टा करके भेज दिया गया, वैसे भी ये भी रट करके आते हैं, वही बात नहीं। आप डेवलपमेंट पे मुद्दे में सवाल पूछे, अगले बार जरूर हम आप चर्चा करेंगे। आप अगर इस समय समय हो चुका है, आपसे दोबारा हम जरूर बैठ करके बहुत सारी, लेकिन आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि जैसे डेवलपमेंट का इश्यू है, हम लोग क्या करते हैं इस शब्द को हवा में उड़ा देते हैं। आप कहिए रोजगार की बात, रोजगार की बात की, रोजगार की बात करने वाला हूं, रोजगार की बात लेकर के जरूर बात, रोजगार की बात कि पहले कितनी सरकारी नौकरियां थी, कितने प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी थी, इस पे अगर डाटा पे बात करोगे कि पहले हमारे उत्तराखंड के इतने लोगों की नौकरियां थी, अब इतनी कम हो गई है, इतने लोग बाहर काम करते थे, अब वो नहीं काम कर पा रहे, घर में खाली है, किसकी वजह से खाली है, वो कहां वोट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इसी पर बात होगी कि आखिर कितने लोगों का प्लान किसके कार्यकाल में कितना हुआ, इस पर जरूर बात होगी। और उससे और इस विषय को लेकर के हम जरूर चर्चा करेंगे, अन्य भी नेता रहेंगे, खुलकर चर्चा होगी, खुलकर बहस होगी, जनता के बीच में भी हम आएंगे, जनता के बीच में भी हम ये खुलकर चर्चा करने वाले हैं कि किसके शासन में सबसे अधिक पलायन हुआ है, क्योंकि पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार भी एक समस्या है। जिन समस्याओं को लेकर के आप चुनाव लड़ने आते हैं उन समस्याओं को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि जनता को भ्रमित करने नहीं देंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को भ्रमित आप भी करने मत देना, हम भी करने नहीं देंगे, और हम मिलके लोगों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो इनके हिसाब से जनता भ्रमित कहलाएगी? नहीं, अब की बार जनता भ्रमित नहीं होगी, वहां जनता में हमारे ही लोग हैं, वो हम पे विश्वास जता रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग विकास के साथ खड़े हैं। आपका स्टेटमेंट जनता समझ चुकी है कि अगर जनता बीजेपी के साथ है तो जनता भ्रमित है, ये बात जनता ही समझ चुकी है। आप जरा लोगों से सवाल पूछिए, जिनकी नौकरियां गई है, जिनके घर के लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, आशीष सैनी जी, खुलकर बात हुई कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी। इन्होंने कहा कि सरकार बनाएगी, बनाएगी किस बेसिस पर, तो सब अलग अलग तर्क है, उन तर्कों के आधार पर आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के, आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारे साथ बैठे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, आज का डिबेट, आपका ये आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा इस विषय को लेकर के, आप वीडियो को लाइक शेयर तो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक खास निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य दीजिए, आप हमें बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के हमें जनता के बीच जानी चाहिए। हमारा ये मानना है कि अगर जनता का इन्वॉल्वमेंट होगा तब जा करके आप सही चयन कर पाएंगे, खुल करके आपके बीच भी आएंगे और बीच में आकर के आपसे खुल करके चर्चा करेंगे, जो आपके मन में है, आपके सुझाव सवाल सत्ता से और जो विपक्ष है उससे भी अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो खुल करके आपको पूरा ये मंच आपके लिए उपस्थित है, आपके लिए बना हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।